शांति पावो प्रभु की शांति पावो, सम से परे जो शांति पावो। मसीह में तेरे दिल और विचारों को वो जरूर संभालेगा। चिंता न करो किसी भी बात की, चिंता न करो। प्रार्थना निवेदन विनती करो, हर एक बात में धन्यवाद करो। जो भी आदरणीय है, जो भी उचित है, जो भी पवित्र है, जो भी सुहावी है, जो भी मनभावनी है, जो भी सद्गुण है, और प्रशंसा की बातों पर ध्यान करो। जो भी आदरणीय है, जो भी उचित है, जो भी पवित्र है, जो भी सुहावनी है, जो भी मनभावनी है, जो भी सद्गुण है, और प्रशंसा की बातों पर ध्यान करो। आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा तुम आनंदित रहो। आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। 761 ए खुदा तू है मेरा, ढूंढूं तुझे पूरे दिल से, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, सूखी प्यासी जमीन में, तृप्त किया मुझे जीवन जल से, सोता तू जीवन जल का, चश्मा बना मेरे अंदर, आनंद जीवन के लिए, पवित्र स्थान में तेरी महिमा, देखो चाहत है मेरी, उस महिमा जो मसीह में है, रहता मेरे अंदर, सामर्थ तेरा अनमोल है, मिट्टी के इस बर्तन में बन गया वो तेरा भवन, तेरी महिमा के लिए, बिस्तर पर तुझे ध्यान करूंगा, रात के हर एक पहर में, तेरे पंखों तले खुशी मनाऊंगा, तू है मेरा मददगार, अच्छा चरवाहा तू है मेरा, तेरे पीछे चलूंगा, दाहिने हाथ तामे हुए अच्छा साथी तू बना, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, तेरी प्रशंसा करूं, तृप्त हुआ मेरा प्राण, चिकनी वस्तुओं से हर्ष भरे ओटों से, तेरी स्तुति सदा मैं करूं, जीवन भर तेरा नाम लेकर आतुरता रहूं, हे खुदा तू है मेरा, तुझे पूरे दिल से, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, सूखी प्यासी जमीन में, तृप्त की
दिया मुझे जीवन जल से सरकार जीवन जल का चश्मा बनावा मेरे अंदर आनंद जीवन के लिए। हालेलुया धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया धन्यवाद महिमा मय परमेश्वर। हालेलुया महिमा से परावा है उसकी वचन सच्चा है उसका वादा अटल है। महान परमेश्वर को धन्यवाद। अभिषेक किया वादा प्रभु ने किया है बातें भली उसने कहा है। वादा प्रभु ने किया है बातें भली उसने कहा है। रह जाएगा ना ये विवाह समय पर होगा सब पूरा। रह जाएगा ना एक भी बात समय पर होगा सब पूरा। आज तक भलाई से उसने हमें तृप्त किया है आगे भी वो रहेगा विश्वास योग्य ही सदा। आज तक भलाई से उसने हमें तृप्त किया है आगे भी वो रहेगा विश्वास योग्य ही सदा। रात के बाद आएगा दिन होने के बाद होगा फसल। रात के बाद आएगा दिन होने के बाद होगा फसल। बीज और भोजन देता जो फलवन करेगा बीज को। बीज और भोजन देता जो फलवन करेगा बीज को। आज तक भलाई से उसने हमें तृप्त किया है आगे भी वो रहेगा विश्वास योग्य ही सदा। सब चीज से होगी नई और नई जमीन नया आसमान। सब चीजें होगी नई और नई जमीन नया आसमान। श्राप और पीड़ा रहेगा प्रभु वहाँ राज्य करेगा। श्राप और पीड़ा रहेगा प्रभु वहाँ राज्य करेगा। आज तक भलाई से उसने हमें तृप्त किया है आगे भी हो रहेगा विश्वास योग्य ही सदा। वादा प्रभु ने किया है बातें भली उसने कहा है। वादा प्रभु ने किया है बातें भली उसने कहा है। रह
रह जाएगा न एक भी बात, समय पर होगा सपूरा। रह जाएगा न एक भी बात, समय पर होगा सपूरा। आज तक भलाई से उसने हमें तृप्त किया है, आगे भी वो रहेगा विश्वास योग्य ही सदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करेंगे धन्यवाद करेंगे, हालेलुया विश्वास योग्य परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद स्तुति के योग्य परमेश्वर धन्यवाद, आदर के योग्य परमेश्वर धन्यवाद, महिमा के योग्य परमेश्वर धन्यवाद, स्तुति में विराजमान परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद। 634 राज करो परमेश्वर, राज करो राज करो परमेश्वर, मुझ में राज करो परमेश्वर, राज करो। प्रार्थना के साथ गाएं, राज करो परमेश्वर मुझ में, तेरा राजा ये तेरा राजा ये मेरे जीवन में, तेरी इच्छा हो मेरे मन में, मेरे मन में राज करो परमेश्वर मुझ में, राज करो परमेश्वर राजाए मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरी इच्छा हो, तेरी इच्छा हो मेरे मन में, मेरे मन में राज करो परमेश्वर, राज मुझ में राज करो। आमीन हालेलुया, मुझ में राज करो, राज करो परमेश्वर मुझ में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रा बरा बरा दूरा बरा 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 दूरा बरा 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 बरा। धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद हालेलुया। మిరునవరు గోరి సగార రబాత్య గాసగ దేనురా విరేక రవామ గోరియ దాక సరే పలే విరేక మారు రూప రఖవాదురు శభా లేవు కా జై వంశె పాడిత మసీషు మే 456 సర్వధికార కె నామ మే जय हमारा, विश्वास के साथ गाएं, हम जय वंश बढ़कर मसीशु में, सर्वाधिकार उसके नाम में विजय हमारा है, हम जय वंश बढ़कर बढ़कर विजय हमारा।
मन से पढ़कर मसीह मसीह के पवित्र गुण से धर्मी ठहराए हुए हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम संतान उसके कहलाए मसीह के पवित्र गुण से धर्मी ठहराए हुए हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम संतान उसके कहलाए हम जयवंत से है बढ़कर हम जयवंत से है बढ़कर विजय हमारा दंड की आज्ञा नहीं हम पर मसीह में है पाप और मृत्यु के बंधन से हमें आजादी मिल गई है दंड की आज्ञा नहीं हम पर हम मसीह में है पाप और मृत्यु के बंधन से हमें आजादी है बढ़कर हम जयवंत सब मिलके बढ़कर विजय हमारा हम जयवंत से बढ़कर मसीह में सर्वाधिकार उसके नाम में सर्वाधिकार उसके नाम में विजय हमारा है हम जयवंत से बढ़कर हम जयवंत से बढ़कर विजय हमारा है मेरी चिंता करने वाला मेरा बोझ उठाने दिल में खुशियां भरने वाला यीशु विश्वास के साथ गाए मेरी चिंता करने वाला मेरा बोझ उठाने वाला दिल में खुशियां भरने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु महिमा का राजा तू धन्य धन्य पावन तू आराधना करता हूँ सर्वशक्तिमान महिमा का राजा तू पवन को आराधना करता तू है चंगा करने वाला सर्व संभव करने वाला मेरे जीवन का रखवाला तू रसला यीशु तू है चंगा करने वाला सब संभव करने वाला मेरी जीवन का रखवाला यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु महिमा का राजा तू सब मिलके धन्य धन्य पावन तू आराधना करता वो सर्वशक्तिमान हालेलुया महिमा का राजा
राजा तू अमला धन्य धन्य पावन को आराधना करता हूँ। जो भी करता पूरा करता हर पल मेरे संग है रहता अवरोधों को समतल करता तू यीशु। जो करता पूरा करता हर पल मेरे संग है रहता अवरोधों को समतल करता तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु महिमा का राजा तू धन्य धन्य पावन तू आराधना करता हूँ। सब मिलके सर्वशक्तिमान प्रभु महिमा का राजा तू धन्य धन्य पावन तू आराधना करता हूँ। निंदाओं में अपमानों में नफरत और पीड़ाओं में तेरी आंखों की पुतली मैं हूँ। हमें ईशु निंदाओं में अपमानों में नफरत और पीड़ाओं में तेरी आंखों की पुतली मैं हूँ। ईशु सर्वशक्तिमान प्रभु महिमा का राजा तू धन्य धन्य पावन तू आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु महिमा का राजा तू सब मिलके धन्य धन्य पावन तू आराधना करता हूँ। मेरी चिंता करने वाला मेरा बोझ उठाने वाला दिल में खुशियां भरने वाला तू। मेरी चिंता करने वाला मेरा बोझ उठाने वाला दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु महिमा का राजा तू धन्य धन्य पावन तू आराधना करता हूँ। धन्य धन्य पावन है पवित्र परमेश्वर कम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु की उपस्थिति में आज़ादी है। उस आज़ादी को पाने के लिए आप आए हो। परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहते हैं। चिंता बोझ उसके ऊपर रखना है। वो तेरा ध्यान रखेगा तेरा ख्याल रखेगा तेरी चिंता को उठाएगा तेरा बोझ को उठाएगा हटाएगा। हालेलुया बोझ प्रभु पर डाल दिया है अब क्या घबराना है। वही आदर मान करेगा वही सहायता करेगा। अपना बोझ यीशु पर डालो कभी न भूलेगा कभी न भूलेगा। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और सुंदर नाम में आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह हमारा सच्चा गडरिया है सच्चा चरवाहा है और हम उसके भेड़े हैं। वो हमारी रक्षा करता है हमें हरी हरी चराइयों में चराता है जहां पर सुखदायी जल के झरने बहते हैं। इतना अच्छा प्रेमी यीशु जो हमसे प्यार करता है। आए मिलकर हम उसकी तारीफ करें उसके नाम की महिमा गाएं। हालेलुया थैंक यू जीसस।
लगे हम भेड़े हैं हरी चराइयों में, हमें चराता है यीशु है सच्चा गढ़िया, उसके हम भेड़े हैं हरी चराइयों में, हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। पहाड़ों में ले चलता है जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं, घटी पहाड़ों में ले चलता है जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं, यीशु है सच्चा गढ़िया, उसके हम भेड़े हैं हरी चराइयों में, हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया डरा तो नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, हमें किसी का डरा नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, यीशु है सच्चा गढ़िया, उसके हम भेड़े हैं हरी चराइयों में, हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया बचाता है, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान की चालों से हमें बचाता है। हाँ यीशु है सच्चा गढ़िया, उसके हम भेड़े हैं हरी चराइयों में, हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया में यीशु, तू हमारा अच्छा चरवाहा है, हम तेरी भेड़े हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है। सचमुच में प्रभु हम चाहते हैं हम तेरी आवाज को सुने, तू हमारा सच्चा खुदा है। हालेलुया, हमें किसी का डर नहीं है क्योंकि तू हमारे संग है, हमारे मार्गों पर रक्षा करने वाला प्रभु तू है, शैतान की हर चालों से तू हमें बचाता है, तू हमें छुड़ाता है। हालेलुया प्रभु, जब हम तेरे पास आते हैं हमारी जिंदगी बदल जाती है प्रभु, तेरे वचन को छूने से,
सुनने से हमारी जिंदगी सवार जाती है, क्योंकि तूने मुझे बचाया है प्रभु, तूने हमें बचाया है। हालेलुया, इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महान उद्धार के लिए प्रभु हम अपनी स्तुति करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जो हमको छुड़ा सके, बचा सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, यीशु तेरे करीमान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई। तूने मुझे करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। हम तुझसे दूर थे, लेकिन प्रभु तूने हमें छुड़ाया, अपनी राह पर प्रभु तूने हमें चलाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमेन। अपना लहू बहाया।
धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। तूने हमसे ऐसा प्रेम जताया, तूने अपने बेटी और बेटियां बनाई और सारी आशीषों से तूने हमें भरपूर किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, तेरे महान अद्भुत कार्य करे हालेलुया। सारा आदर महिमा प्रभु तुझे देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम आमेन। मार्कुस रचित सुसमाचार 4:30-32 तक वचनों को पढ़ेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार 4:30-32 तक और भी वचनों को पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सागपात से बड़ा हो जाता है। वह उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ बात करते थे स्वर्ग के राज्य के बारे में। उसने लोगों को समझाते थे। आज भी इस वचन से पवित्र आत्मा आपको और मुझे समझाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य कैसे होता है, उसको वर्णन कैसे करेंगे। कुछ भी तुलना नहीं है। परमेश्वर का राज्य का एक चौड़ा से भाग भी यहाँ पर दुनिया में मिलेगा नहीं। दुनिया में सबसे बढ़िया से बढ़िया घर भी वहाँ के घर के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बता रहे हैं उसको ऐसा कोई तुलना है नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन उसको समझाने के लिए एक छोटे से एक चीजों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं, किससे मैं तुलना कर सकता हूं, ऐसे महान चीज है। लेकिन आपको समझाने के लिए परमेश्वर एक छोटा दृष्टांत, कहानी भी नहीं बोल सकते हैं, एक छोटा से एक पैराबल बोलते हैं इंग्लिश में, पैराबल, शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन छोटा से एक स्टोरी है। यहाँ पर एक बीज है, यहाँ पर एक जमीन है, एक इंसान है। इस कहानी में कौन कौन है? एक इंसान है, एक बीज है, एक जमीन है, ठीक है। वो स्वर्ग राज्य के बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं, एक इंसान बीज को ले लिया, बीज को लेकर के जमीन में बोया। कहाँ पर बोया? जमीन। तो यही स्वर्ग के राज्य का सिद्धांत है।
छोटा से बीज है, राही के दाना, राही का कितना बड़ा है? हाँ, बहुत छोटा, ठीक है। तो इतने ऐसे हाथ में रखेंगे, कितना बीज आएगा उसमें? बहुत सारा आएगा ना। हाँ ठीक है, आम का बीज रखेंगे इसमें कितना आएगा? एक आएगा, है ना, एक दो आ सकते, बहुत छोटा है तो। आम का बीज भी बीज ही है, आएगे नहीं? तो राई का बीज भी बीज है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? एक बड़ा है, दूसरा छोटा है, और उसमें जीवन अलग अलग जीवन है। आम में आम का जीवन है, इसमें राय का जीवन है, है कि नहीं? बिल्ली है तो बिल्ली का जीवन रहेगा, हाथी है तो हाथी का जीवन रहेगा। तो यहाँ पर जीवन की बात चल रही है। स्वर्ग राज्य एक जीवन वाला राज्य है, ऐसे दिमाग के खेल नहीं है, जीवन की बात है। गाना गाए यीशु तेरा वचन मेरे प्राण को करता बहाल, सिद्ध है, सत्य है और जीवनदायक है। तो बीज लेकर के बोने जैसे है स्वर्ग के राज्य। स्वर्ग के राज्य कैसे आपके अंदर आएगा? जबरदस्ती से नहीं, हाँ, लोगों को डंडा मार कर नहीं, ललचा करके भी नहीं, परमेश्वर का वचन का बीज बोने से स्वर्ग के राज्य आपके अंदर में आ जाएगा। स्वर्ग के राज्य आपके अंदर में आना चाहते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहन, भले आप नया हो आप पुराना हो, एक स्वर्ग के राज्य है, असली है, वास्तविक है, एक आत्मिक है, है कि नहीं? मरने के बाद हमें वहाँ जाना है, लेकिन ये परमेश्वर के राज्य, वहाँ आप जाने से पहले उस राज्य आपके अंदर अभी आना है। क्या बोला मैंने? उस राज्य में हमें जाने से पहले वो राज्य हमारा में आना है। वो बीज के द्वारा आएगा, छोटा से भी बीज है। परमेश्वर का वचन जो बच्चों लोग यहाँ पर बता रहे हैं, एक एक वचन जब बोल रहे, मैं भी ध्यान से सुनता हूँ, मुझे भी उससे जीवन मिलता है। यही सामर्थ्य बीज है, सिद्ध है, सत्य है, जीवनदायक है बीज बोने वाला। यीशु मसीह भी बीज बोने वाला था, हम भी बीज बोते हैं। भले मेरे पास कोई ऐसे किसान वाला जमीन नहीं है था पहले, बहुत पहले, मम्मी का वो सब चला गया गांव में, अभी कुछ नहीं है। हमारा पास जमीन है, मकान वाला जमीन है, हाँ, खेती बाड़ी वाला जमीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरे सामने जितने भी बैठे हैं, ये एक अनमोल जमीन है। इस जमीन में बोया जाता है परमेश्वर का राज्य। क्या बोते हैं हम? परमेश्वर का राज्य का प्रचार कर रहे हैं। राज्य परमेश्वर राज्य करेगा, हाँ, कोई भी राजा रहेगा, ये रहेगा, वो रहे, बोले वो नया आएगा, बोले मैं ठीक कर देता हूँ, वो भी नहीं कर पाएगा। तीसरा आएगा, वो भी नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर का राज्य आने से सब ठीक होगा। लेकिन वो आने से पहले आज परमेश्वर का राज्य कैसे आता है? एक एक दिल में आता है। कैसे आता है? दिल में। लोग पूछ रहे थे, प्रभु जी राज्य कब आएगा, आप राजा कब बनेंगे, आप कब आने वाले, राज्य कब आएगा, कुलरदी से कब आने वाले? तो लूका 17 अध्याय में पूछ रहे थे लोग, उसका 20 और 21 पढ़ना, लूक 17 20 और 21। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता,
और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है और या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तुम्हारा बीच में है, उस समय में बीच में है, क्योंकि यीशु मसीह उनके बीच में है। अब यीशु मसीह आपके बीच में नहीं, आपके अंदर में आएगा। वही परमेश्वर का राज्य है, जहाँ यीशु जी के लिए कुर्सी दे दिया गया राज्य करने के लिए, वही परमेश्वर का राज्य है। कोई जगह का ऊपर नहीं है, इस जगह में है। इसलिए इस जगह में यीशु को राज्य करने के लिए हमने दिए हैं। हमारा घर में परमेश्वर का राज्य है, क्योंकि यीशु मसीह को राज्य करने के लिए हमने दिए हैं, कुर्सी दिए हैं। मैंने बताया कुर्सी का कंपटीशन नहीं है, शिफ्ट सिस्टम नहीं है। सुबह मैं बैठूंगा, दोपहर प्रभु बैठना, रात को शैतान बैठेगा, ऐसा तो नहीं है। राज्य आ गया, तुम्हारा बीच में है, तुम्हारा अंदर में है। बात में आएगा कुल्लरिधि से, सबसे पहले आपके दिल में आएगा। परमेश्वर का बीज बोते हैं, वचन का बीज बोते हैं, प्रेम का बीज बोते हैं, चंगाई का बीज बोते हैं, चंगाई का गाना गाते हैं। क्यों? मैं चंगाई का गाना आपके लिए गवाता हूँ, गाता हूँ। मुझे भी वो गाना काम करता है, मुझे भी चंगाई रखता है। आपके लिए जो बीज मैं बोता हूँ, वही बीज का फल आप भी काटोगे, मुझे भी तो मिलेगा। इसलिए इंसान तो बीज बोते रहते हैं, भले आपको मालूम नहीं है, शब्दों से बीज बोते रहते हो। किसी के प्रति आपके नफरत वाला विचार रहेगा, नफरत वाला बीज बोते रहते हो, नफरत के शब्द बोलते रहते हो, कड़वाहट के बीज बोते रहते हो, फिर उसके हिसाब से शैतान राज्य करने लगता है। स्वर्ग का राज्य एक बीज के समान है, छोटा होते हैं। आपको मामूली से लगेगा, अरे ये क्या है, छोटा से एक शब्द तो है, सब लोग गाली गलौज कर रहे हैं, मैं भी कर लूँ, सब लोग ऐसे ऐसे झोंक मारते हैं, मैं भी बोलूँ, छोटा से तो है। सब लोग इंस्टाग्राम में ये सब बेचते रहते हैं, इसमें क्या गलती है पास्टर जी? छोटा से जो चीज़ है वही तो पेड़ बनेगा। सही बीज बोना मेरे बच्चा लोग, स्वर्ग का राज्य राय के दाना के समान भी छोटा से भी होगा, सही होना चाहिए। कभी आपने सुना कि कांटा का बीज सुना क्या? कोई बोते हैं? बोता है क्या कहीं कांटा का, या बड़ा ना करके कोई बीज होता है कहीं? उसका भी होगा कुछ पता नहीं मुझे, अपना पाता कांटा अपना पाएगा। सुन रहे कि नहीं? गलत चीज़ है, बच्चों को आप नहीं भी सिखाओगे। आजकल ये भी एक प्रॉब्लम है, मैंने बताया छोटे बच्चों को शैतान कैसे कब्जा कर लेते हैं, मोबाइल से कोई ना कोई बीज बोता है शैतान भी। उसका शिफ्ट सिस्टम में बहुत एक्टिव शिफ्ट है उसका, डे एंड नाइट शिफ्ट। डे शिफ्ट भी काम करता है, नाइट शिफ्ट भी। उसके लोगों को बोला आप लोगों को रेस्ट नहीं है, उनके लोगों को बोलता है आप किसी का छुट्टी नहीं दूंगा, ऑफ नहीं दूंगा, जाना वहाँ जाके इच्छापुर में एक बेवकूफ लोगों को भरमा रहा है, उसको मारो। शैतान अपना लोगों को बोल रहा होगा, लेकिन परमेश्वर स्वर्गीय दूतों का हमारे लिए पारा बना कर रखे हैं, इसलिए वो शैतान कुछ नहीं कर पा रहा है। जरूर हम लोग दुनिया की नज़रों में छोटा लग रहे हैं, संसार की नज़रों में हमारा प्रभु को ही तुच्छ गिना गए, हम लोग भी आज तुच्छ गिने जा रहे हैं, लेकिन जीवन से भरा हुआ है, स्वर्ग के राज्य है, स्वर्ग के राज्य में जीवनदायक है। परमेश्वर का वचन का बीज बोया जाता है, जमीन में बोया जाता है। कहाँ पर बोना है बीज को? जमीन में। वो इंसान लेकर के अपना जमीन में बोएगा,
सबसे पहले बीज अपने जमीन में बोना पड़ेगा। अरे तुम लोग ठीक हो जाना, तुम लोग ठीक हो जाना। दूसरा, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जरूर, लेकिन मैं सामने आपको बताते हुए मैं अपने आप को भी बताते प्रचार करता हूँ। हर प्रचार इस ढंग से मैं करना चाहता हूँ, करने के लिए प्रभु से सहायता मांगता हूँ। ऐसा नहीं प्रभु दूसरों को ही मैं बताते रहूँ, मुझे भी ये काम करेगा, दूसरों को शांति देता हूँ मुझे भी शांति मिलेगा, मैं भी प्रेम में चलूँ, मैं भी नम्रता से रहूँ, मैं भी पवित्रता से रहूँ। यही वचन आप मेरे को सिखाते हो, मेरे बच्चों को मैं सिखा लूँ, मेरे बच्चे लोग आगे बढ़े। जो बीज बोते हैं हम लोग दोनों मेहनत करते हैं, भले मैं यहाँ से प्रचार करता हूँ लेकिन वो भी कितने लोगों को आमने सामने रूबरू बताते रहती है। यही चीज है, जीवन बदलने वाला वचन है, बहुत फर्क पड़ेगा मेरे बच्चों लोग, मामूली से नहीं है। अभी छोटे छोटे बच्चों लोगों को कलीसिया में लेकर आते हो, देखना उनके अंदर कितना ज्ञान बढ़ने वाले हैं, ऐसे ऐसे वचन का खजाना उनको दे रहे हो, मामूली सा बात नहीं है। स्वर्ग का राज्य को दे रहे हो, स्वर्ग का राज्य एक महान है, वहाँ पर कोई तुलना नहीं है। प्रभु जी बोलते इसका कोई तुलना नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं छोटा छोटा एग्जाम्पल से। राही के दाने के समान है, बोया जाएगा, बीज को बाटला में रख करके शोकेस में रखोगे क्या आएगा? बाटल में रख दिया, शोकेस में रख दिया, हमने अफ्रीका से लेकर आ गया था, इतना बड़ा बड़ा मैंगो आएगा इसमें, अमेरिका देश से उस देश से लेकर आया था, कहाँ पर है लेकिन बीज? सूटकेस में, शोकेस में, सारे सूटकेस सुनाई दिया मुझे, कोई बात नहीं, शोकेस में है, देखने के लिए है लेकिन बोने के लिए है। बोलिए बीज जो है केवल देखने के लिए नहीं है, केवल दिखाने के लिए नहीं है, बोने के लिए है। पहले मेरे मन में मैं बोता हूँ, दूसरे का मन में भी बोता हूँ। तो देखो बीज बोना, फसल काटना, बाइबल में लिखा है बारंबार होते रहेगा, दुनिया का साइकिल है। साइकिल बोलते हैं इंग्लिश में, साइकिल मतलब दिन आया तो क्या आएगा? रात आए, रात आएगा दिन आएगा, बीज बोएगा तो फसल काटेगा, फसल काटेगा फिर बीज बोएगा फिर फसल काटेगा। हर बार संडे आना है, आना है, फिर बार बार बीज बोते रहते हैं, अलग अलग वचन लेके समझाते हैं। पिछले हफ्ते में बताया चमत्कार करने वाला यीशु, क्या है यीशु जी? क्या है? चमत्कार करने वाले। उस ढंग से आप विश्वास करोगे, उस ढंग से अनुभव करोगे, उस ढंग से विश्वास करो मेरे बच्चे लोग। आज यीशु मसीह आपके हृदय को बदलने वाला है, इस ढंग से विश्वास करो। कैसे बदलते हैं? जिम बुम बा, बदल दिया जाओ, ऐसा नहीं ऐसा जादू टोना मामला नहीं, वचन का बीज बोएगा आप बदलेंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं कोई इंजेक्शन डाल दिए बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा तो हम भी इंजेक्शन ले आके सबको डाल देते, नहीं तो मेमोरी कार्ड ऐसा डाल दिया, ऐसा सिस्टम है, चिप डाल दो मन में, इंसान बदल जाएगा। ओ शैतान करेगा, बता रहा हूँ, चिप भी डालेगा, देखना वो सब शैतान करता है। शैतान हमेशा जबरदस्ती में करेगा, मजबूर में करेगा, दबाव दबाव से करेगा, लोगों को धमकियां देकर करेगा। लेकिन हम भी बीज बोते हैं, प्रेम से बोलते बोते हैं, नम्रता से बोते हैं, लोगों को विनती करते हैं, लोगों को हम भी जबरदस्त करते हैं, लेकिन अलग दाई का जबरदस्त है, एक प्रेम वाला जबरदस्त है। देखो अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हो, सपोज जाते हैं आपके बच्चे लोग, अच्छा है, नहीं जाते हैं, बोलेगा मामी स्कूल जाना मुझे बोर लग रहा है, वहाँ एक गुंडा मुझे हमेशा
धमकियां दे रहे हैं, क्या करेंगे? पेरेंट्स तो कुछ करनी पड़ेगी ना भाई। मैं भी कैसे, हमारा बच्चों लोग जाते थे, मैं जाके जो भी गुंडा है उसको थोड़ा धमका के मैं आता था, क्या करेंगे? नहीं तो बच्चे लोग डर जाएंगे, उनको थोड़ा हिम्मत देनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं जाएंगे हम, छोड़ देंगे। अरे बच्चे बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहे, छोड़ देते, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना भाई। आप बोलेंगे अरे उसके भलाई के लिए हम कर रहे हैं, इस ढंग से जबरदस्त करते हैं, हम भी इस ढंग से जबरदस्त करते हैं, स्वर्ग का राज्य में बलवंत किया जा रहा है। यीशु मसीह बोल रहे हैं यूहन्ना के समय से लेकर के स्वर्ग के राज्य का हम लोग इस ढंग से लोगों को बुला रहे हैं, लोगों के दिल में बीज बोने के लिए बुला रहे हैं, यहाँ पर आओ हृदय में बीज बोया जाएगा। देखो मैं आपके घर पे भी आ सकता हूँ, आपका टाइम भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपके घर में आएगा तो क्या होगा मालूम है? मैं बैठा रहूँगा, आप किचन में जाओगे, बाथरूम में जाओगे इधर गबक, मैं कुछ भी बोलेगा आप ध्यान भी नहीं दोगे। कुछ लोग होते हैं जिसके लिए हम समय भी देते हैं, जाते हैं, ऐसे लोग हैं, इसके बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं। सीखो परमेश्वर का राज्य मामूली से बात नहीं है, लेकिन इसको साधारण रीति से भी समझाते हैं ताकि LKG वाला भी सीख लेंगे। चीज तो बड़ा है लेकिन छोटा से समझाया जा रहा है, छोटा बच्चों को भी समझ में आएगा, नम्रता से सीखेंगे। तो मैं एक बात बताऊं, नम्रता से बच्चे जैसे सीखेंगे, इतना महान स्वर्ग राज्य LKG बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। अगर आप घमंडी से शारीरिक तौर से मुझे सब आता है ऐसे सोचने वाले, PhD भी किया होगा, आत्मिक चीज उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यीशु जी बोलते मैं तो दृष्टांत में बता रहा हूँ। लोग आके प्रभु जी क्यों ऐसे ऐसे दृष्टांत में बता रहे हैं? यीशु मसीह बोला ये हमारा सीक्रेट कोड है। क्या है? सीक्रेट कोड, सीक्रेट है, सीक्रेट सिगरेट नहीं है, सीक्रेट। ये भी मुझे ध्यान देनी पड़ेगी, लोग मेरा बात गलत ना ले लें। तो सीक्रेट कोड है मतलब आपको समझाने के लिए नम्रता चाहिए, बच्चे जैसे चाहिए, समझ में आएगा। अभी सपोज मैं इनसे तमिल में बात करूँगा, जो आदमी तमिल जानते हैं आप आके बैठे हो, हाँ समझ में आएगा आपको, है ना? गाना तो गा जाओगे, मैं लिख के दूंगा तो तमिल में भी गाना गा सकते। उम्बाक सत्यमे उम्बसनम नित्यमे, उम्बाक सत्यमे उम्बसनम नित्यमे वाक तत्तम सैधीरे। तमिल में गाना गाए हमारा गुजराती बहन, क्योंकि मैं लिख के दिया, लेकिन उसका बोलते अंकल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला आपको समझ में आने का ज़रूरत नहीं, आपको अच्छा से गाने का है मतलब है। सीक्रेट है उनके लिए, भले हिंदी में है इसलिए उसका ही ट्रांसलेशन है, समझ लो, समझ में आ जाएगा। तो एक सीक्रेट है लेकिन कहानी के अंदर है, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आपको बीज बोना है जिंदगी पर। सुबह सुबह उठ गए, कल सुबह उठेंगे, आज रात को सोएंगे, क्या होगी? आज जितने बीज बोए हैं उसका बढ़ते हुए देखोगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं आपके अंदर बीज उगेगा, आपको ही मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे लोग, मेरे भाई बहन, बच्चों के साथ आपके साथ क्या बात हो रही, घर पर क्या व्यवहार हो रहे हैं, एक एक दिन, एक एक बात, एक एक विचार, एक एक शब्द बीज है, आपको ही मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे ऐसे पेरेंट्स होते हैं मालूम है, कहीं भी स्कूल में टीचर पिटाई करेंगे, कोई पिटाई करेंगे,
माँ बाप जा कर के लड़ने लगेंगे, मेरे बेटे का छूने का तुमको कौन हिम्मत दिया, हम तो राजा का बच्चे है, क्या है मेरा बेटा तो राजकुमार है, प्रिंस है, चुना नहीं। इस ढंग से व्यवहार करने वाला क्या कर रहे हैं, क्या सा कौन सा बीज बो रहे हैं, गुंडागिरी का बीज बो रहे हैं। देखना दिन बीतते जाएगा, बड़े हो जाएगा लड़का, बाद में मम्मी को भी क्या करेगा, धमकियां देने लगेगा। जो बीज बोते हैं वो उगेगा, आपको ही मालूम नहीं, यहीं पर मार्क 4 में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, 27 से पढ़ना, कैसे वो बीज बढ़ता है, 26, 27, 28। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। कोई मनुष्य, कोई भी है, सब लोग मनुष्य, मतलब मनुष्य भी है, लेडी भी है, इंसान भी है, बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। कैसे बढ़ रहा है पास्टर जी, मुझे नहीं मालूम, मेरे बच्चे 3.5 वर्ष के हो गए हैं, पास्टर जी बात नहीं कर रहा है, मैं नौकरी में चला गया, मेरा हस्बैंड भी नौकरी में चला गया, टाइम पास के लिए मोबाइल देके गए थे, क्या हो गया बच्चे के अंदर, कुछ शैतानी प्रभाव पड़ गए, क्या देखा मालूम नहीं, इन दिनों में कैसे उगेगा पता ही नहीं चलेगा, लाइटली मत लीजिए, सही बीज बोएंगे, सही ढंग से बढ़ेगा, सही परिणाम लाएगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, कांटा के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, ऐसे ही छोड़ देंगे कांटा तो अपना आप उगता है, पता ही नहीं चलेगा, है ना। जैसे हमारा पाल में आप देखे, हमारे घर के सामने पहले कितना कांटा होता था, है नहीं, हम लोग कभी कभी जाके आग लगाते हैं, एक बार हम लोग आग लगाने वाले लोग हैं, इतना आग लगा दिया आंटी, वहाँ जाके केबल भी जल जाएगा करके, फिर हम जाके पानी डालकर आए, तो ऐसे ऐसे होते थे, अभी क्या हो गया, पूरा साफ हो गया, क्योंकि दूसरा काम चल रहा है, काम चलना चाहिए, जमीन में कुछ काम होना है, कोई प्रोडक्टिव काम करना है, जमीन ऐसे पड़ा रहेगा, उठकटारे उठे उगेगा, झाड़ियाँ कांटों का पौधा आएगा, जमीन को ऐसा नहीं छोड़ा जाता है, जमीन में बीज बोया जाता है, रात को सोए दिन को उठे पता चल रहा है, ऐसा एक पेड़ आ गया, ऐसे एक आदत आ गए, ऐसे एक बात बन गए, परिवार में टूटपट हो गए, एक बात के बोल के का बोलने के कारण तीसरा कोई आदमी घर में आया, लोगों के पति पत्नी का बीच में कुछ गलत बीज बोते हैं, फिर क्या होते, दोनों के बीच में दरार आ जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, इसलिए ध्यान से रखिए कौन आ रहा है आपके घर पे, कौन सा प्रोग्राम आप देख रहे हो, कौन सा चीज सुन रहे हो, सही चीज को बीज बोना वो अपना आप उगता है, बुराई चीज भी ऐसे ही है, भलाई चीज भी ऐसे। आज हम परमेश्वर के वचन को हिम्मत से मैं बो रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कैसे लोग चंगाई हो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे छुटकारा पा रहे हैं, ऐसा मेरे पास कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास उसका वचन है, उसको मैं देता हूँ, वो काम करता है, मैं विश्वास करता हूँ। इस ढंग से आप भी विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के अंदर में ताकत है, उसके नाम में ताकत है, उसके वचन में ताकत है, उसको लेकर मेरे जीवन में बोता हूँ, मेरे परिवार में बोता हूँ, अपने आप से उगेगा, कैसे उगेगा, अपना आप से आएगा, केवल गाते रहना, मुझे चंगाई 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 चंगाई,
मेरे शरीर में मेरे मन में मुझे चंगाई चंगाई पूर्ण चंगाई मेरे शरीर में मेरे मन में क्योंकि यो आरफा वह मेरा प्रभु है चंगाई चंगाई मेरे शरीर में चंगाई चंगाई मेरे मन में। बीज बोते रहना, गाना गाते तो क्या कर रहे हो, बीज बोते हो। हम लोग पहले में दुनिया वाला गाना गाते थे छोटेपन में, गलत बीज बोते थे, लेकिन प्रभु में आ गए, प्रभु का बीज बोते हैं, प्रभु का गाना गाते हैं। बोलते ऐसा उगेगा पता ही नहीं चलेगा, अचानक मालूम पड़ेगा, अरे परिवार अच्छा से चल रहे थे। कभी कभी कुछ परिवार फेसबुक में बहुत प्रेम का पिक्चर डालते तो थोड़ा मुझे थोड़ा घबराहट होती है, क्योंकि दिखावटी है। जो लोग बाहर में दिखावट करना चाहते हैं वही है शोकेस लोग है। बीज को कहाँ डाल रहे हैं, शोकेस में दिखाने के लिए। हाँ मेरे पत्नी प्रेमी बर्थडे विशेष टू यू, अरे बर्थडे विशेष को उसको फेसबुक में क्यों बता रहे, सामने बता दो। सोशल मीडिया में प्रेम दिखा रहे हैं, आमने सामने तो मारपीट करते होंगे, नहीं भी करते होंगे अच्छा है। सबको मैं जज नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्वर्ग का राज्य आपके अंदर की बात है, परिवार की बात है। आपके परिवार में प्रेम नहीं करोगे दूसरों को क्या बताओगे। एक चीज़ यीशु मसीह मुझे ज्ञान दिया, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक सीक्रेट है। स्वर्ग का राज्य हमेशा सीक्रेट है, धीरे धीरे मैं भी धीरे 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 सीख रहा हूँ। मुझे किसी को चंगाई करना है, सपोज मेरे को इसको चंगाई करना है, सबसे पहले चाहिए मेरे अंदर उसके प्रति एक प्रेम का विचार चाहिए। क्या चाहिए, विचार चाहिए, मुझे चंगाई का विचार चाहिए, मुझे इस व्यक्ति के प्रति भलाई का विचार चाहिए, तभी मैं प्रार्थना करूँगा चंगाई के लिए, वो प्रार्थना भी काम करेगा। मेरे अंदर उसके प्रति भलाई के विचार नहीं है, अरे ये तो बेकार लड़का है, ये तो बदमाश है, ये तो गुंडा बनेगा, ये तो बेकार है, हाँ ऐसे ऐसे मेरा अंदर विचार रहेगा तो प्रार्थना भी काम नहीं करेगा। इसलिए किसी के आपके किसी के प्रति आपके मुंह से ऐसी बात नहीं आने का कभी भी। हाँ किसी को नहीं बोलना, अरे तुम बुड्ढा बुड्ढी, ऐसे बोला तो माफी मांगो। ऐसे अगर किसी को बुड्ढा बोलेगे बुड्ढी बोलेगे उसके लिए तुम प्रार्थना करोगे उसका चंगाई तुम नहीं दे पाओगे। सबसे पहले व्यवहार सही करो, विचार सही करो। देखो ऐसे ऐसे प्रार्थना ऐसा कोई मैजिक नहीं है, यहाँ के जो बात हो रहे हैं ये सब सीक्रेट है, आत्मिक चीज़ है। LKG बच्चे भी सीख जाएंगे लेकिन नम्रता से सीखना पड़ेगा, आत्मिक सच्चाई है। यीशु मसीह इसलिए बोलते हैं स्वर्ग के राज्य रहस्य रीति में समझाया जाता है, छोटे छोटे उपमा के द्वारा, छोटे छोटे दृष्टांत के द्वारा। स्वर्ग के राज्य बीज के समान बोया जाता है, बोने के समय में छोटा है, बढ़ने के बाद बड़ा है। आज स्वर्ग का राज्य छोटा है बड़ा है, बोलो। वो बोल रहे बड़ा है, आप बोलो। उसके मम्मी बोला बड़ा है छोटा है, देखो आप बोल रहे बड़ा है, मम्मी बोल रहे वो छोटा है, आप बोलो। स्वर्ग करे छोटा है, पीछे बोलो बड़ा है छोटा है, स्वर्ग का राज्य बड़ा है। अरे वाह, स्वर्ग का राज्य बड़ा होता तो यहाँ अभी इतने लोग रहते हैं, बोलो तो सही। हाँ अभी स्वर्ग का राज्य छोटा है, दिख रहा है, लेकिन बढ़ेगा, क्या होगा, ऐसा बढ़ेगा तो पता ही नहीं चलेगा, चुपके से बढ़ेगा, अंदर अंदर ही बढ़ेगा,
हृदय में बढ़ेगा, हृदय में बीज बो रहे हैं, हृदय में वचन में प्रचार कर रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं, गाना बन के डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं माध्यम से परमेश्वर का बीज बोते जा रहे हैं, जिंदगी पर बोते रहेंगे। इसी के लिए अपना नौकरी छोड़कर हम ये काम कर रहे हैं, बीज बोने का काम इसलिए हम कर रहे हैं। हमको पगार लेते थे, पैसा कमाते थे, अभी हमको आत्मा को कमाना है, लोगों को स्वर्ग राज्य में धक्का दे करके एक एक को अंदर देना है। जापान में ये ट्रेन सिस्टम होते हैं, इतने लोग चढ़ जाते हैं नीचे में, ये ट्रेन स्टार्ट करने से पहले कोई लोग बाहर हैंगिंग करेंगे, वहाँ के पुशर्स कौन होते हैं, पुशर्स करके एक नौकरी होते हैं, ऐसे थोड़ा अट्टा कट्टा चार पांच लोगों को ऐसा ऐसा अट्टा कट्टा लेडीज़ को भी रखेंगे। उनका काम क्या है, हाँ, लोगों को धक्का दे करके दरवाज़ा बंद करना, ऐसा भी काम होता है। अभी आजकल नहीं है, पहले के बात बोल रहा हूँ। पुशर्स, हम वही काम कर रहे हैं, लोगों को प्रेम से पुश कर रहे हैं, धक्का दे करके अंदर प्रवेश करो, क्योंकि ये पतली गली है, क्योंकि सकरा मार्ग है कि नहीं, ऊंट भी इसमें जाएगा सुई के नाके से, कैसे जाएगा, हाँ, अपने आप को एक्सक्यूज करके जाएगा, धक्का देते मदद करते हैं, हाँ, कभी कभी नहीं जाएंगे, अभी क्या बोलते हैं, चूड़ी बोलते हैं ना, ये चूड़ी, वो इसको नहीं जाते तो क्या करते, वो तेल वेल लगा के अंदर डाल देते हैं, कैसे भी जाना है, कैसे भी घुस जाना है, दम लगा दो, स्वर्ग राज्य कीमती चीज है मेरे भाई मेरी बहन, बाहर ना रह जाओ, कैसे भी प्रवेश हो जाओ। हम नम्रता से बुला रहे हैं, धमकी दे करके नहीं, दबाव से नहीं, भले दबाव देते हैं, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, मम्मी पापा बच्चों को स्कूल के लिए कैसे दबाव दे रहे हैं, वैसे हम दबाव दे रहे हैं। स्वर्ग का राज्य मिस नहीं करना है, वो बढ़ेगा, अभी छोटा लग रहा है, एक दिन बढ़ने वाला है, एक दिन बढ़ेगा। यीशु मसीह का उदाहरण यही है, राई के दाने के समान है, मतलब अभी छोटा है, अभी छोटा दिख रहा है। देखो, स्वर्ग का राज्य हमेशा बड़ा ही है, ये भी मैं बता देता हूँ, अभी छोटा दिख रहा है, अभी छोटा लग रहा है। दो लोग बोले थे बड़े, वो भी सही आंसर है, स्वर्ग का राज्य हमेशा बड़ा ही रहेगा, स्वर्ग का परमेश्वर बड़ा है तो उसके राज्य भी बड़ा है, लेकिन अभी छोटा दिख रहा है, संख्या कम लग रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, बढ़ेगा, बीज बोते बोते बढ़ेगा, एक दूसरों को समझाएगा, वो तीसरों को समझाएगा, चौथे को समझाएगा, लेकर आएगा, बीज बोते रहेंगे, बीज बोना फसल काटना होते रहेगा, आपका जीवन का साइकिल होते रहेगा। बीज बोने का समय है, अभी ये वो समय है, गाना गाए थे कटनी का समय है वो भी है, कटनी का भी समय है, साथ ही साथ बीज बोने का भी समय है, वो भी बराबर वारंवार होते रहेगा साइकिल में। बीज बोने बगैर कटनी में जाएंगे, चूचे हाथ वापस आओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। बीज बोने के लिए बुलाया जा रहे हैं, बीज का दृष्टांत यीशु मसीह इसलिए बता रहे हैं, बोया जाएगा, फल लाएगा, पृथ्वी अपना वचन पढ़े थे ना बेटा, उसका आगे बढ़ना, मार्कुस 4:28, पृथ्वी आपसे आप फल लाती है। देखो, फल किसको लाना है, जमीन, आपके जमीन से फल अपने आप से आएगा। आगे, पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। बढ़ोतरी होगी, पहले अंकुर, बाद में बाल, उसके बाद बाला में तैयार दाना।
हर चीज को बढ़ोतरी धीरे धीरे होना चाहिए। आपके पास अगर 20 लाख है, पास्टर जी मेरा बहुत विश्वास है 20 करोड़ का मकान खरीद लूंगा। क्या कर रहे हो? हाँ, एकदम चांदी चंद्रमा में पैर रखने के लिए कोशिश कर रहे हो। यहाँ से चंद्रमा पहुँच जाओगे? नहीं, अरे जाने का इरादा रखो यार। नील आर्मस्ट्रांग और कौन है, और कौन कौन है, हे ऑल्ड्रिन, कल्पना चावला पोला मनी वेरे, नील आर्मस्ट्रांग है, ऑल्ड्रिन और किसने, तीन लोग है एनिमल स्थान पर। पहले बोलते एनिमल ही गया, देखो लोग भी कितना होशियार है। अरे जाएगा मरेगा, जानवर मरने दो, हम तो बच जाएंगे। नील आर्मस्ट्रांग जा कर के पैर रख करके आए चंद्रमा में, उसके बाद भी लोग गए हैं, कुछ लोग जाके मर भी गए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ का, वो लोग भी चंद्रमा में गए करके है ना, आप ऐसे यहाँ से रॉकेट में चंद्रमा जाने के लिए कोशिश मत करना। वो भी हो सकते हैं, हम लोग का जीवन में भी बढ़ोतरी हो सकते हैं, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, स्टेजस, हर चीज़ का एक स्टेज होता है। आज पास्टर थॉमस को देख रहे हो, ऐसा नहीं कल मैंने उद्धार पा लिया आज मैं चर्च का पास्टर बन गए, ऐसा तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं, एक स्टेज होते हैं, बढ़ोतरी होते हैं। यहाँ लिख रहे हैं पहले अंकुर, बाद में बाल, बाद में उसमें तैयार दाना। धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे कदम रखो। एकदम से 50 लाख लोन लेकर के कर्जा में डूबना नहीं है। पूछो तो सही हमसे, पास्टर जी ये बिजनेस करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के अगुवाई पाते हैं, धीरे धीरे बढ़ना है। हर चीज़ के एक परमेश्वर के तरीका होते हैं, ज़रूर बढ़ेंगे। अगर आज बच्चा जन्म हो गए, छोटा से बाबू, आप ऐसे ऐसे कुछ पंप करके दो दिन में 25 साल लड़का बना दोगे, क्या होगी? कर नहीं सकते। ऐसे ही एक सब पहले कुछ देखते थे, कुछ कौन सा ये कह देना फिल्म आते चिन्ने वैसले पेरियाल आयरवान मानते बच्चे, बहुत पहले ये लोग कुछ फिल्म देख रहे थे, एक लड़का जल्दी से बड़ा होते गए। और जब 10th क्लास जा रहा था, उसका 40 साल जैसे हो गया। स्कूल में सब मजाक उड़ा रहे, अरे अंकल अंकल। बेचारा 10 साल का ही है लेकिन लग रहा है 40 साल का। ऐसा बढ़ती होके होके क्या हो गया फिर? सब लोग जब 25 का उम्र हो गए हैं, वो लड़का 95 उम्र। क्या होगा फिर? 25 में ही खत्म। तो इसलिए जल्दी से आपका प्रोजेक्ट खत्म ना हो जाए, आपका स्वप्न चुकना चूर ना हो जाए। मैं भी पास्टर बन जाऊंगा, बच्चे लोगों को होश होते हैं, बहुत जोश होते हैं, पास्टर जी गिटार बजाना, मुझे भी बजाना, उसमें भी मेहनत भी तो होते हैं, सपना तो सब करेंगे, है कि नहीं? काम भी बनना पड़ेगा, धीरे धीरे आएगा। अच्छा सपना देखना गलत नहीं है, मकान खरीदने के एक इरादा रखो, सपना देखो अच्छा है, लेकिन सबसे पहले तो उसके लिए थोड़ा सेविंग्स भी तो करो। पास्टर जी वहाँ मेरा रिश्तेदार मांग रहा है, ये मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, मैं दे दूँ? मुझे नहीं पूछना। दे दो, मुझे क्या करेंगे? मैं आपका पैसा है, आपका मर्जी है, लेकिन सही ढंग से सोचोगे तो ज़रूर दे सकते हैं जहाँ ज़रूरी है। लोग आपसे पैसा लेकर के वहाँ
शादी में उड़ाने के लिए पैसा मांग रहे हैं, आप बेवकूफ बन रहे हो, कैसे स्वप्न आएगा घर का? एक चीज का समय होते समय लगेगा, जैसे यीशु जी उदाहरण दिए हैं, हम लोग ऐसे ऐसे उदाहरण को देखो, हम ऐसे भाषण नहीं दे रहे, हमारा जीवन में ये सारे चीज हम अनुभव में अप्लाई करके हम लोग आए हैं, हर चीज़ को, इवन कलिसिया भी हो, अपने घर खरीदने के मामले भी हो, हर चीज़ जो कंपनी का काम भी हो, हर चीज़ में बढ़ोतरी को उसके लेवल में धीरे धीरे बढ़ाएंगे तभी सही रहेगा। परमेश्वर हर चीज़ का एक नियम रखे हैं, बच्चों को माँ के गर्भस्थान में, अरे इतना 9 महीना कौन रखेगा पास्टर जी, मुश्किल पड़ रहा है, जल्दी से 2 महीना में निकाल देंगे तो कैसे रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। यही होता है, समय होता है, उसके लिए वेट करना अपने आप से आएगा आपके लिए हर चीज़। पास्टर जी आप अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, हमारे लिए होगा क्या? होगा, जैसे पानी भी चिंचना पड़ेगा ना भाई, हम तो बीज बो रहे हैं, आप इस बीज को बार बार उठा के देखोगे? हाँ, बच्चे लोगों को काम दे, बीज बो के आना, बीज बो के आएंगे अगला दिन जाके देखेंगे कुछ नहीं आया, क्या करेंगे बीज को खोद के देखेंगे, मम्मी इसमें कुछ नहीं आया, अरे तुम चुप रहो, बीज अंदर रहने दो, पास्टर जी चंगाई तो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। होगा भाई, वेट करो, परमेश्वर के काम होगी, अद्भुत काम होगी, चिन्ह चमत्कार होगी, वचन भेजकर मैंने उसको चंगाई दे दिया करके परमेश्वर भविष्यवाणी बोले हैं, वचन को आज मेरे से भेज रहे हैं, यही वचन है, बीज बोने से चमत्कार, चंगाई के बीज बोने से चंगाई, आर्थिक आशीष जो आपके जीवन में चाहिए उसके लिए बीज बोना, बीज बोना, आलसी मत रहो, ऐसी जमीन को पड़ा नहीं रहने दो, पड़ा रहेगा उसमें कांटा आएंगे अपने आप से आएंगे, बीज बोना, समय देना, एक एक स्टेज होते हैं, एक एक बढ़ने का एक तरीका होते हैं, परमेश्वर जानते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, कोई लोगों के लिए मैं प्रार्थना किया तुरंत चंगाए होते हैं, कुछ लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तुरंत नहीं होते हैं, लेकिन ज़रूर होते तो ज़रूर है, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, बीज में सामर्थ्य है, बीज को हम बेचते हैं, बीज को हम बोते हैं, शोकेस में नहीं रखते हैं, दिखावटी नहीं है, दिखावटी मत करना, प्रेम से बीज बोते रहना, किसी के प्रति नफरत दूर करो, नफरत की आत्मा गलत बीज है, नफरत की शब्द गलत बीज है, प्रेम की आत्मा प्रेम के शब्द सही बीज है, कौन सा बीज पसंद करोगे मेरे बच्चा लोग? सही बीज को पसंद करो, कलिसिया हरा भरा रहेगा, जैसे हमारा बच्चा लोग वचन बोल रहे थे, कैसे आपके हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगे, तेरे कत्ते भरे रहेंगे, रस कुंड में द्राक्ष रस भरा रहेगा, मंडता रहेगा, परमेश्वर ऐसे ऐसे बीज आपके दिल में बोना चाहते हैं, आशीष का बीज, बढ़ोतरी का बीज, उन्नति का बीज, चंगाई का बीज, ऐसे ऐसे बीज बाइबल में है। आज जो गाना देखेंगे नहीं आप लोग मालूम नहीं, वादा किया तूने, बीच बीच में कितने वचन डाले हैं, मेरा बेटी बोले पापा इसके लिए 10 घंटा लगा, लोगों को मालूम नहीं, 10 मिनट भी देखने के लिए लोगों को टाइम नहीं है, वो गाना रिकॉर्ड करने में, उसको एडिटिंग करने में मुझे 10 घंटा लगा, और उसका लिरिक वीडियो बनाने में बेटी को 10 घंटा लगा, आपको 10 मिनट देखा कि नहीं? देखेंगे, देखा नहीं तो देख लो, तमिल में भी देख लो, हिंदी में भी, शायद तमिल में देखे होंगे, हिंदी में अब ये देखो, भाषा का भी अपना मन से उतरना पड़ेगा, हम तमिल वाला हिंदी वाला ये सब मन में नहीं रखना, ये भी एक बीज है, मैं बोता हूँ, मैं लोगों को बीज बोता हूँ, भाषा का अंतर मत करना,
भाषा के बाहर हम आना है, अपना जाति से बाहर हम आना है, तभी दुनिया को हम बदल पाएंगे। मुझे तो मैं बता रहा हूँ, हिंदी पढ़ा ही नहीं मैं, स्कूल में कभी भी हिंदी का एक शब्द भी मुझे सिखाया नहीं गया। हमारा देश में, हमारा तमिलनाडु में लोग हमेशा बोलते हिंदी मुर्दाबाद, क्या बोलते हैं, हिंदी उड़ी गए। उसके लिए बड़ा रेवोल्यूशन हुआ एक बार डीएमके के द्वारा, हिंदी मुर्दा, हाँ कई लोग मर गए उसमें, है कि नहीं। लेकिन अभी हम बोलते हिंदी जिंदाबाद, हिंदी को बढ़ाना चाहते हैं, हिंदी में गाना हम रचाते हैं, हिंदी में गाना हम गाते हैं। यही परमेश्वर का काम है, जिसको हिंदी आता नहीं उसे परमेश्वर हिंदी का प्रचार कराते हैं, जिसको हिंदी आता नहीं उससे परमेश्वर हिंदी का गाना गवाते हैं। और ये गाना प्रभु के कृपा से भोजपुरी में, गुजराती में, तेलुगु में, हर भाषा में यही बढ़ोतरी है, धीरे धीरे होगी। पहले तो ये गाना गाओ, पास्टर जी मैं हर गाना गा जाऊंगा, एकदम चंद्रमा में पैर मत रखो, पहले एक करो, दो करो, दस करके देखो, धीरे धीरे बढ़ना, परमेश्वर मदद करेंगे। प्रभु का काम देखो तेजी से भी होता है, धीरे से भी होता है, बोलिए तेजी से भी होता है, धीरे से भी होता है। हमको मालूम नहीं है कि नहीं, हमको पता नहीं, लेकिन होता है कि नहीं, जरूर होता है। मुझे ही मालूम नहीं, अभी गाना लिखने स्टार्ट किए 3 साल हो गए, 2018 में स्टार्ट किए, करीबन अभी 3.5 वर्ष 100 के आसपास गाना कैसे हुआ मुझे भी पता नहीं, कैसे भी हो गया, तेजी से लग रहा है लेकिन धीरे धीरे हुआ है। वैसे परमेश्वर के हर काम धीरे धीरे होगी, अचानक बढ़ने से गड़बड़ है। जैसे मैंने बोला ना, लड़का 10 साल में 40 वर्ष जैसे बढ़ गया, सब गड़बड़ आ गए। धीरे धीरे बढ़ेंगे, तेजी से भी बढ़ना पड़ेगा कभी कभी, वो भी परमेश्वर मदद करते हैं। लेकिन जैसा परमेश्वर हमें चलाएंगे वैसे बढ़ाएंगे, चुपके से बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? चुपके से बढ़ेंगे। अब मार्कुस का वचन पढ़े थे, यही वचन मत्ती का 13वां अध्याय में पढ़ोगे, मत्ती का 13, यहाँ पर यीशु मसीह इस दृष्टांत को बता रहे हैं कि पढ़ना, मत्ती 13वां अध्याय उसका 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, एक और दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया, खमीरा हो गया। देखो ये भी दूसरी कहानी, स्टोरी नंबर 1 ये स्टोरी नंबर 2। वैसे तो ये काफ़ी सारे स्टोरी है इसमें, एक मेरे ख्याल में 4 और 5 है, इसके पहले 3 स्टोरीज है, बाद में वो भी मैं बताऊंगा। इसमें भी यही सिद्धांत है, यहाँ पर एक उस कहानी में मनुष्य, बीज और जमीन। अब यहाँ पर मनुष्य नहीं बोले क्योंकि किचन का मामला है, लेडीज डिपार्टमेंट है, इसलिए यीशु जी ने बोला स्त्री है ना। ये भी सोच लो, स्त्री लोगों का कुछ काम है, जेंट्स लोगों का कुछ काम है। जेंट्स लोग सोचो अपना काम आप करो, उनका काम वो करने दो, ये मत बोलो तुम खाना भी पकाओ, तुम पैसा भी कमा के लाओ। कमा रहे तो अलग बात है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करना, उनका एक डिपार्टमेंट है, आपका एक डिपार्टमेंट है, ठीक है वो अलग बात है। तो स्त्री ने क्या किया,
थोड़ा से खमीर लेकर के आटा में डाल दिया तो कैसे हो गए। अभी आटा को ज़्यादा से आटा है, थोड़ा से खमीर है, खमीर ज़्यादा है आटा ज़्यादा है, लेकिन खमीर कितना है छोटा से है, यही थोड़ा से है, यही स्वर्ग का राज्य है। हम लोग है, हम लोग खमीर जैसे हैं, हम लोग प्रभाव डालने वाले हैं। हालेलुया, हम दुनिया से प्रभावित नहीं होना है मेरे बच्चा लोग, दुनिया को आपको प्रभावित करना है। पृथ्वी के नमक हो, जगत की ज्योति हो, और पूरा आटा को खमीर करने वाला काम आपका है। जैसे आप दही कैसे बनाते हो घर पे, बोलो तो सही, यहां पूछता हूं या नहीं, इसको पता नहीं होगा, इनके मामी करते होंगे। बोलो दही कैसे बनते हो सिस्टर जी, बूंद दूध में, दूध ज्यादा रहता है कम रहता है, ये बूंद, लेकिन सब दही बन गया, ठीक है, खट्टा होता है ना थोड़ा। कैसे बनते हैं, धीरे धीरे, अंदर ही अंदर ही, चुपके से बोले, धीरे धीरे, अंदर ही अंदर ही, चुपके से हम आग लगाते रहेंगे। नाश वाला आग नहीं, ये मत सोचना पास्टर जी आप गलत सिखा रहे क्या, नहीं, प्रेम वाला, पवित्रता, नम्रता, शांति, धीरे धीरे। देखो अगर मैं घमंडी होऊंगा, मैं चिड़चिड़ होंगे, गुस्सा वाला होंगे, ऑटोमेटिकली मुझे देखने वाला भी, मेरे साथ वाला भी, ऐसे अपना भी खराब हो जाएंगे, यही इसका मीनिंग है। जैसा आप रहोगे, आप अपवित्र रहकर दूसरों को पवित्र नहीं कर पाओगे, समझ रहे कि नहीं। मैं कुछ भी अशुद्ध काम करूंगा, दूसरों को पवित्रता सिखा दूंगा, वो पवित्र बन जाएगा, ऐसा नहीं। मुझे पवित्र रहना पड़ता है, मुझे नम्र रहना पड़ता है, तभी मेरा प्रभाव जाएगा। मैं सहनशीलता सीखना पड़ेगा, तभी मैं दूसरों को सिखा पाऊंगा। मेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बहाना चाहिए, तो जीवन का सोता तो अंदर होना चाहिए। अंदर सूखापन रहेगा, अंदर मिट्टी भरा रहेगा। मैंने बताया उस दिन आपके कुआं में शैतान क्या कर रहा है, मिट्टी भर रहा है ताकि तुम्हारा अंदर से कुछ ना आए। लेकिन आज वो मिट्टी को मैं हटा रहा हूँ, यीशु के नाम से आदेश दे रहा हूँ, सारे घमंडी, सारे जो कचड़ा निकल आओ, मिट्टी निकल जाए, सोता खुल जाए, आपके द्वारा प्रभावित हो जाए। दुनिया को प्रभावित करने वाले लोग हम लोग है, दुनिया से प्रभावित हमें नहीं होना चाहिए, यही इसका मीनिंग है। इस दृष्टांत का मतलब यह है, चुपके से अंदर ही अंदर ही धीरे धीरे प्रभाव कर, प्रभाव डालना है। कैसे डालेंगे पास्टर जी, आप हिम्मत वाला रहो, दूसरे लोग आपके साथ वाला हिम्मत वाला बन जाएंगे। आप प्रेमी रहो, वो लोग प्रेमी बन जाएंगे। आप नम्र रहो, वो लोग बन जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, धीरे धीरे बनेगा, लेकिन रहो इसमें क्या, रहो बोले, रहो चोट के भागना नहीं। कैसे प्रभाव करोगे, मेरे को पवित्र बनना है, इसलिए मैं जंगल में जाकर अपना बैठ जाता हूं, तपस्या करते रहूंगा, प्रभाव कर पाओगे। यहां रहते हुए पवित्रता करना, यही तो चैलेंज है। जंगल में जाके क्या पवित्रता करोगे, जहां कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन वहां पर भी शैतान तो आपको परीक्षा तो कर सकते, घमंड से परीक्षा करेगा। लेकिन इस हालत में जहां पर प्रभु जी आपको रखे हैं, वहीं पर आपको प्रभाव करना है। मेरे पास ये होता मैं कर लूंगा,
उस मेरे मम्मी पापा इतना बेकार है, मेरा मम्मी पापा ये होता तो मैं कर लूँगा, कुछ नहीं करते हो तुम। जब तक जब यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे वहाँ पर भी तुम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यही जो दिया गया सिस्टम, जहाँ दिया गया आपका समय, आपको जो दिए गए इसी में आपको आपका कला दिखाना है, दिखाओगे बच्चा लोग चमत्कार करना है, जहाँ तुम रहते हो वहाँ आग लगाना है, वहाँ खमीरी बनाना, आप हिम्मत करो। अरे तुम लोग कर दोगे क्या, छोटे से झुंड है, कर देंगे, हमारे अंदर बड़ा परमेश्वर है। दाऊद एक छोटा लड़का था, सब लोग डर के मारे छुप रहे थे, लेकिन वो बोला नहीं, मेरे पास परमेश्वर का नाम है, मैं क्या करूँगा, इसको गला काट दूंगा। हिम्मत किया, अभी भी बोल रहे हैं स्वर्ग राज्य में क्लास होता है माले में, उसमें एक क्लास अटेंड करने के लिए एक भाई गए, वहाँ की हिम्मत के बारे में प्रचार हो रहा था, वो प्रचार दाऊद जी दे रहे हैं। करेज हैं, करेज का टीचिंग स्वर्ग राज्य में हो रहा है। यहाँ से कोई डरपोक लोग जाएंगे उनको पहले वो कमरा में भेजेंगे। कोई लोग नेचुरली डरपोक होते हैं, मैं भी ऐसे ही था, लेकिन मेरे प्रभु का वचन से मुझे हिम्मत आया, तो वो टीचिंग देते हैं, वहाँ दाऊद दे रहे, उसके पहले मैं यहाँ दे रहा हूँ। हिम्मत रखो, हिम्मत बांधो, वचन से प्रभाव डालोगे। ये मत सोचना हम छोटा से झुंड है, हमसे क्या होगा, हमसे ही होने वाला है, हमसे ही प्रभु काम करेगा, स्वर्गदूतों से नहीं करेगा, विदेशी से किसी को भेज कर नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम उसके हाथों की हथियार है। माले में बलवान लोग होते हैं, हाँ, शिमशोन के बारे में जानते हो, ही मैन। हजार लोग आए उसके सामने, देखा उसके हाथ में कुछ नहीं है, वहाँ पर गधा का हड्डी पड़ा हुआ था, पुराना हड्डी। जा, वो भी वो ले लिया, उससे कला दिखा दिया, हजारों लोगों को मार डाला। यही उदाहरण क्यों बोल रहा हूँ, वल्लवन के फुल्लो आयुधम, हमारे तमिल में कहावत है, शूरवीर आदमी के लिए घास भी काफी है, घास को लेकर भी वो युद्ध करेगा। हमारा परमेश्वर महान है, सामर्थ्य में तू है महान, तेरे हाथों में सारा जहां। मेरे बेटी ने बनाया वो स्टैंसा, वही गाई, सामर्थ्य में तू है महान, तेरे हाथों में सारा जहां, कभी ना बदलेंगे तेरे वायदे, अटल रहेंगे सदा। छोटे लोगों को लेकर के बड़ा काम करेगा। आप नालायक नहीं है, आप निर्बल नहीं है, निर्बल है तो आप सही कैंडिडेट हो। आपको ये काम प्रभु देंगे, मेरे जैसे निर्बल लोगों को प्रभु चला रहे तो आपको भी करेंगे, जरूर करेंगे, हाथ में लेकर के प्रभाव डालेंगे। कितने बड़े ग्रुप क्यों ना हो, एक दिन होने वाला है, सारे राज्य प्रभु के आधीन में होने वाला है, लेकिन अभी काम चल रहा है धीरे धीरे, चुपके से, अंधेरे अंधेरे। हम प्रेम का आग लगाना है, प्रेम का प्रभाव डालना है, पवित्रता की प्रभाव डालना है, हमारा द्वारा पाप की प्रभाव नहीं होना है। बच्चा लोग, आप कभी भी गलत आग नहीं लगाना, कभी भी नफरत वाला आग नहीं लगाना, कभी भी अशुद्ध आग नहीं लगाना आप। और दूसरी चीज़ है, दुनिया से आप प्रभावित नहीं होना। पास्टर जी दुनिया में सब लोग कर रहे हैं, मैं भी करूं, नहीं। एक कहानी में क्या, आटा खमीर को दबा दिया, नहीं तो खमीर प्रभाव डाला, बोलो खमीर पूरा आटा में प्रभाव, ऐसे करना।
दुनिया आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालना। दुनिया की मोह माया शारीरिक अभिलाष आंखों की लालसा जीवन की घमंड आपके अंदर घुसना नहीं देना, लेकिन आपके अंदर से जाने देना। प्रेम पवित्रता शुद्धता सहनशीलता आपके अंदर से जाते रहेगा क्योंकि आपके अंदर है, यही बहने दो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम खड़े हो जाएंगे। सामर्थ्य में तू है महान, तेरे हाथों में सारा जगह। जरूर हमारा द्वारा भले हम छोटा से लग रहे हैं, लेकिन हमारा द्वारा बड़ा काम होगी। सामत में तू है महान, तेरे हाथों में सारा जहां। कभी न बदलेंगे तेरे ये वादे, अटल रहेंगे सदा। कभी न बदलेंगे तेरे ये वादे, अटल रहेंगे सदा। तेरा वचन सच्चा है, तेरा वादा अटल है। तेरा वचन सच्चा है, तेरा वादा अटल है। वादा किया तूने कभी न भूलू तुझे, कभी न छोड़ूंगा कभी न त्यागूंगा, अंत तक मैं साथ रहूंगा। कभी न छोड़ूंगा कभी न त्यागूंगा, अंत तक मैं साथ रहूंगा। स्वर्ग पिता हम धन्यवाद देते हैं आज मेरे भाई बहन बच्चों के द्वारा। प्रभु जी आप प्रभाव डालने वाले हैं, हम लोग दुनिया से प्रभावित न हो जाएं, दुनिया की गंदगी हमारा अंदर न रहें, लेकिन हमारा अंदर से पवित्रता, हमारा अंदर से प्रेम, हमारा अंदर से चंगाई, हमारा अंदर से सहनशीलता, हमारा अंदर से प्रभु का पवित्र आत्मा, हमारा अंदर से यीशु मसीह का नाम दुनिया के ऊपर, दुनिया के लोगों के अंदर फैलने के लिए, लोगों को आशीष देने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए, लोगों को स्वर्ग राज्य में धक्का देने के लिए। हालेलुया, हम लोगों को बलवान बनाइए। हम निर्बल है लेकिन हमको बलवान बनाने वाले हैं, हमारा द्वारा प्रभाव डालने वाले हैं आप है। आप बलवान है भले हम निर्बल है, लेकिन आप बलवान है, आप हमारे अंदर रहते हैं, आपके द्वारा हम बलवान है। आप हमारे द्वारा काम कीजिए। हालेलुया, आपके राज्य बढ़ें, आपके राज्य बढ़ें। हालेलुया, आपके राज्य आएँ, ज़रूर आएगा, हम विश्वास करते हैं। आपके हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे, आमेन।